और वहाँ पे ओडिशा में शेलिंग हो रही थी, और जिस दिन फर्स्ट डे मिसाइल्स गिरी थी तो वो 3 सिटीज़ में गिरी थी, कीव, खारकीव और ओडिशा, 3 मिसाइलें गिरी थी। और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली दिन में 2 बारी मिसाइल्स गिरती ही थी और शेलिंग भी हुई थी बीच में काफी। तो सायरन की आवाज आना, बंकर के अंदर जाना, उस तरीके की चीजें, बंकर्स में हम जा नहीं पाए थे, बट ऐसे था कि घर में लाइट्स ऑफ करके बैठ जाओ, तो घर में लाइट्स ऑफ करके और सामान हमने पहले दिन ही स्टॉक अप कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे ATMs पे बहुत लाइन और सारा सामान खत्म हो रहा था। जब हमें पहले दिन पता चला तो मैं भी अपनी ड्यूटी पे थी, तो एकदम बहुत शॉक लगा कि बच्चों ने कहा कि मिसाइल गिरी है वहाँ पे, तो हमें मतलब डर लगा एकदम कि बच्चे कैसे आएंगे। पर यह था कि बच्चों से सिर्फ कॉन्टैक्ट हो पा रहा था, तो इसलिए हमें हिम्मत बंधी हुई थी। तो हाँ, जब बच्चे सफ़र के लिए निकले तो हमने इन्हें बोला कि एक ग्रुप बना लो और अपने चार्जिंग बचा के रखना ताकि हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ। थैंक गॉड कि सब राखी ब्रदर है, वो वहाँ पढ़ रहा था खारखीर में, वो बंकर्स में बैठे होते और उनको तो कोई होप ही नहीं थी कि हम निकल भी पाएंगे। वो कह रहे कॉन्टीन्यूस शेलिंग, बॉम्बार्डमेंट कॉन्टीन्यूस चल रही थी, खारखीव का तो उन्होंने बिल्कुल जैसा दिखता था वो बदल ही दिया। तो पर वो लकीली अपने निकले हैं ट्रेन से और उन्होंने भी क्रॉस कर लिया बॉर्डर्स। बट वहाँ से खारखीव से निकलना, वो मतलब उनका मैसेज आया कि हम कीव से जा रहे हैं और 2 घंटे क्रूशल हैं। क्रूशल वॉज लाइक कि या तो वो जिंदा आएंगे या वो बिल्कुल आ ही नहीं पाएंगे कभी। तो मतलब सब डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। यूक्रेन में इस समय जंग जारी है, खारकीव का इलाका हो, कीव का इलाका हो या यूक्रेन के बड़े बड़े शहर हो, इस समय जलते हुए नजर आ रहे हैं, खाक हो चुके हैं और लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे भारत से पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाते हैं, लेकिन वहां पर इस जंग के बीच फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 24 फरवरी से पहले आ गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज में अटेंडेंस के कारण वहीं पर फंस गए थे, लेकिन उसके बाद प्रयास होता है, कई बच्चे रोमानिया, हंगरी, पोलैंड बॉर्डर तक पैदल आते हैं, कोई ट्रेन के माध्यम से आता है, कोई टैक्सी के माध्यम से आता है, कोई बस के माध्यम से आता है, लेकिन उस दौरान कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। करनाल की एक बिटिया जो पढ़ने के लिए वहां पर गई हुई थी, अपने दोस्तों के साथ वहां पर फंस गई थी, लेकिन हंगरी बॉर्डर के रास्ते भारतीय जो भारतीय सरकार की तरफ से जो प्लेन की सुविधा दी गई उसके माध्यम से वो वापस करनाल पहुंच चुकी हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके का मंजर वहां पर देखा और अपने बाकी साथियों के लिए वो सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं। सिमरन, कौन सी ईयर के अंदर आप पढ़ते हैं और कहाँ पर आप पढ़ते हैं, क्या स्थिति थी, अपनी आँखों से आपने क्या देखा? मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहाँ पे ओडिशा में शेलिंग हो रही थी, और जिस दिन फर्स्ट डे मिसाइल्स गिरी थी तो वो 3 सिटीज़ में ही गिरी थी, कीव, खारकीव और ओडिशा, 3 मिसाइलें गिरी थी। और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली दिन में 2 बारी मिसाइल्स गिरती ही थी और शेलिंग भी हुई थी बीच में काफ़ी। तो सायरन की आवाज़ आना, बंकर के अंदर जाना, उस तरीके की चीज़ें, बंकर्स में हम जा नहीं पाए थे, बट ऐसे था कि घर में लाइट्स ऑफ करके बैठ जाओ, तो घर में लाइट्स ऑफ करके और सामान हमने पहले दिन ही स्टॉक अप कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे ATMs पे बहुत लाइन और सारा सामान खत्म हो रहा था। तो कब आप निकले ओडिशा से और उसके बाद किस रास्ते से होते हुए आप हंगरी पहुँचे? 3 दिन हम ओडिशा में फंसे रहे, बट उसके बाद ट्रेन 24, 25, 26, हाँ जी, ट्रेन हुई उसी शाम को, 2 घंटे का टाइम दिया हमें, तो हम 300 स्टूडेंट्स निकले थे ट्रेन से, बाय ट्रेन, और हम फिर वहाँ पे चौप रेलवे स्टेशन है वहाँ उतरे, हमने टिकट्स ली और फिर वहाँ से इमिग्रेशन कराई और फिर आगे जहूनी बॉर्डर गए और जहूनी से फिर आगे बुदापेस्ट गए, फिर वहाँ पे हमें अच्छे से अकोमोडेशन मिली थी, वहाँ पे और स्टूडेंट्स थे जो वॉलंटियरिंग कर रहे थे उनके साथ, और चौप रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दिक्कत आई बट बाकी कंपैरेटिवली सेफ था। बहुत सारे दोस्त आपके अलग अलग जगह पढ़ते होंगे, डिनेप्रो का एक इलाका है, खारकीव का इलाका है, 22 से 23 साल शायद आपकी उम्र होगी, जिंदगी में इतनी कठिनाई या इतना डर भरा माहौल पहले कभी देखा? नहीं, एक तो कोविड आया हुआ था और कोविड के बाद एकदम से ऑनलाइन चल ही रही थी और अचानक से कोविड के टाइम में हम
हंस खेल रहे थे। 8:30 बजे क्लास का अलार्म लगाया था और 6 बजे इतने सारे मैसेजेस और कॉल आ रही हैं कि वॉर शुरू हो गई। हम ऐसे थे, ऐसे कैसे वॉर शुरू हो सकती है अचानक से, तो इमेजिन नहीं किया था कभी। कोई अटेंडेंस का भी वहां पर चक्कर रहता है कि भारतीय एम्बेसी ने कहा एडवाइजरी जारी कि आप चले जाइए, लेकिन कॉलेज ने कहा नहीं ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, आपको क्लास लगानी पड़ेगी, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने कहा था 25 से ऑफलाइन क्लासेस करेंगे हम, और अगर आप नहीं हुए आपको एक्सपेल कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ इसीलिए वहाँ पे वेट कर रहे थे, और उसके बाद हमने इतने मैसेजेस किए डीन ऑफिस को कि अब बताओ आप, यहाँ पे वॉर हो गई है, हम सब आपके भरोसे बैठे थे, आपने बोला आप सेफ हो। और डीन सबसे पहली थी जो वहाँ से चली गई, एक डीन तो वहीं पे अभी, बट एक वाइस डीन थी जो वहाँ से चली गई, और उन्होंने हमें 6 से लेके शाम के 6 तक रिप्लाई भी नहीं किया। फिर उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि हाँ हम भी यहीं पे, हमारी फैमिलीज भी स्टक हैं, तो कोई नहीं, वी आर विद यू, बट था नहीं कोई उस टाइम पे। सिमरन को हौसला इसलिए भी पूरी तरह से, इसने अपने आप को भी एक हिम्मत दे रखी अपने परिवार वालों को, और साथ ही साथ हंगरी बॉर्डर पर जब भारतीय लोगों की मदद की जा रही थी, भारतीय छात्रों की मदद की जा रही थी, वहां पर सिमरन एक वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रही थी ताकि खुद को भी हिम्मत मिले, बाकी साथियों को भी हिम्मत मिले। आंटी जी लगातार कॉन्टेक्ट में होंगे क्योंकि बेटी पढ़ने के लिए वहां पर गई हुई थी, टीवी देख रहे थे तो आंखों में रोना तो जाहिर सी बात है आ रहा होगा। हाँ जी, जब हमें पहले दिन पता चला तो मैं भी अपनी ड्यूटी पे थी, तो एकदम बहुत शॉक लगा कि बच्चों ने कहा कि मिसाइल गिरी है वहाँ पे, तो हमें मतलब डर लगा एकदम कि बच्चे कैसे आएंगे, पर यह था कि बच्चों से सिर्फ कॉन्टैक्ट हो पा रहा था तो इसलिए हमें हिम्मत बंधी हुई थी। तो हाँ, जब बच्चे सफ़र के लिए निकले तो हमने इन्हें बोला कि एक ग्रुप बना लो और अपने चार्जिंग बचा के रखना ताकि हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ। थैंक गॉड कि सब ठीक है, और मैं गवर्नमेंट का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चे सेफली घर लौटा दिए, और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ बाकी भी जो बच्चे हैं उन्हें सेफली घर ले आएँ, सबके माँ बाप अपने बच्चों को देख के खुश हों। आंटी जी खुश हैं, बिटिया घर वापस आ गई है? हाँ खुश है, हम जो है ना गवर्नमेंट का धन्यवाद, जो है ना बहुत अच्छे से घर आ गए बच्चे, और भी बच्चे आ जाएं जिसके जो है ना जा रहे हैं। तो ये एक सुखद तस्वीर है इस परिवार की, बहुत सारे परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं यूक्रेन, कई बच्चे आ चुके हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है, जिनके बच्चे आ रहे हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है, लेकिन उम्मीद है सरकार से कि बाकी बच्चे भी जल्द आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आप भी उन बच्चों के टच में हैं जिन जो फंसे हुए हैं या जो आ गए हैं? ऐसा है, जैसे आज पता लगा कि सिमरन सेफली घर वापस आ गई है, फैमिली से कॉन्टेक्ट हुआ, और हमारी जो सरकार है वो निरंतर बच्चों को वहाँ से लेकर यहाँ पे सेफली घर पहुँचाने का काम कर रही है, और जो लोग वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं उनसे हम भी पर्सनली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ ट्रैक हुए। जैसे कि एक लड़का था वो वहाँ पर फंसा हुआ था, मतलब उसके पास खाना भी नहीं था, बट उसको ट्रैक करते करते उसको व्हाट्सएप नंबर्स दिए मैंने, जो डीसी साहब ने आदेश दिए है कि ये नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो नंबर्स पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। अब वो पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, वो सेफ साइड आ चुके हैं, ये सुन के पेरेंट्स भी बहुत रिलीफ करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे सेफ साइड पर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके मैक्सिमम बच्चे जो है 60% जो बच्चे हैं वो यहाँ आ चुके हैं, और हमारी जो सरकार है उनको फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर रही है। बॉम्बे एयरपोर्ट पर 4 लोगों की टीम जो है वो हरियाणा डेस्क लाइन नंबर जो है वहाँ पर उनकी वो उनको वेलकम कर रहे हैं, और उनको सेफली जिसने दिल्ली जाना दिल्ली जाए, जिसने हरियाणा जाना हरियाणा, वो वहाँ से उनको आगे भेज रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी जो विपदा की घड़ी आई है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन वो आपस में देश कर रहे हैं, बट हमारे देश की यही कोशिश है कि जो बच्चे हैं सेफली वो घर वापस आ जाए, तो वो निरंतर कर रहे हैं। हर माँ बाप को यही उम्मीद होती है कि उनका बेटा बेटी जो पढ़ने के लिए विदेश में गए हैं वो जल्द से जल्द वापस लौट आए। दोती घर वापस आ गई है, लेकिन उससे पहले अंकल जी आपको, क्योंकि बहुत सारी युद्ध का आपने देखे होंगे, आपने उसको अनुभव किया होगा, ये युद्ध भी किसी खतरनाक तरीके से कम नहीं था, तो ऐसे में बेटी का वहां पर फंसना और उसके बाद आना एक राहत की सांस? बहुत अच्छी सांस, बहुत अच्छी राहत है, और सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी जो है सकुशल घर आ गई। उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमात्मा का, जिसने इनको हिम्मत दी और कृपा की कि ये घर सेफ आ जाए।
उसके बाद जो है ना, मैं भारतीय सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सक्रियता से और बहुत ही दिल से उस चीज़ को जो है ना हैंडल किया और कर रहे हैं। भले ही बच्चों को प्रॉपरली वहाँ हैंडल नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि हसल बसल में जो है ना थोड़ा दिक्कत आ ही जाती है, लेकिन सरकार अपने पूरे तौर से जो है ना वहाँ प्रयत्नशील है। और इसके साथ साथ जो है, जो भी व्यवस्था सरकार कर रही है वो सराहनीय है, और उम्मीद करूँगा कि भाई और भी जो है इसको जल्दी से जितना भी बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा है, वो जो है एक स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, इंडियन फंसे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके सरकार से अपील है हमारी कि वो उनको, उन बच्चों को भी जो है ना, जैसे हमें खुशी हो रही है अपने बच्चे को पा करके, जिन बच्चों को अभी नहीं आना हो रहा है तो उनके पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो उनको भी खुशी होगी अगर वो सकुशल अपने घर पर आ जाते हैं। लास्ट में मैं जो है अपनी भारतीय सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चे आ गए हैं और जो बच्चे अभी आने हैं, उन सब के अंदर जो है ना, जान से पहले ये मन में एक दुविधा फंसी हुई है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम जो है ना, कोई 3 साल लगा चुका है, कोई 4 साल लगा चुका है, कोई 5 साल में चल रहा है, कोई लास्ट ईयर में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो हालात वहाँ के देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और नहीं लगता कि वो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज की तारीख में जो है ना, बच्चों को विशेष रूप से अपनी जान से भी ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता हो रही है। तो मैं सरकार से ये, आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चे इस स्थिति में हैं तो उनकी पढ़ाई का भी कुछ व्यवस्था सोचे, और उनको जो है ना हौसला दे बच्चों को कि भाई आप लोगों का जो कैरियर है वो मेंटेन करेंगे और उनको अच्छे से आपकी शिक्षा का जो है व्यवस्था करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः फिर यही अपील करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो सरकार कर रही है वो और करे, और अपना जो विश्वास है सरकार के प्रति हमारा, वो मेंटेन रहे। सिमरन, खारकीव का इलाका हो या उस साइड के इलाके हो जो रूस के नज़दीक पढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा था पोलैंड, हंगरी, रोमानिया पहुँचने के लिए? मेरा एक राखी ब्रदर है, वो वहाँ पढ़ रहा था खारकीव में, वो बंकर्स में बैठे हुए थे और उनको तो कोई होप ही नहीं थी कि हम निकल भी पाएंगे। वो कह रहे कॉन्टीन्यूस शेलिंग, बॉम्बार्डमेंट कॉन्टीन्यूस चल रही थी। खारकीव का तो उन्होंने बिल्कुल जैसा दिखता था वो बदल ही दिया, तो पर वो लकीली अपने निकले हैं ट्रेन से और उन्होंने भी क्रॉस कर लिया बॉर्डर्स। बट वहाँ से, खारकीव से निकलना, वो मतलब उनका मैसेज आया कि हम कीव से जा रहे हैं और 2 घंटे क्रूशल हैं। क्रूशल वॉज लाइक कि या तो वो जिंदा आएंगे या वो बिल्कुल आ ही नहीं पाएंगे कभी, तो मतलब सब डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। सिमरन की इन बातों को सुनकर खुद एक ऐसा मंजर सामने आ रहा है जो डरा देता है। सिमरन, वॉलेंटियर आप बन गए हंगरी बॉर्डर पर, क्या वो सीन था, क्या कुछ रहा वहाँ पर हंगरी बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर पर, किस तरीके से भारतीय सरकार मदद कर रही है और वहाँ पर आप भी वॉलेंटियर बनकर मदद कर रही थी? हाँ जी, वहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वहाँ पर होटल्स बुक करा रखे हैं, तो बच्चे वहाँ पे जो आ रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली आ ही जा रहे हैं। उनकी, उनको भी नहीं पता था क्योंकि एम्बेसीज बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं है इतना सोर्स कि वो जान पाएँ, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 200 स्टूडेंट्स आएंगे और कह रहे थे रात तक 1500 आने वाले हैं, ना खाने का उपारा था। और बच्चे ऐसे उससे उठ के आ रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे, वो चिल्ला रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो रखे थे। तो ये था कि जितनी हेल्प कर सके उनकी, जो वॉलेंटियर्स हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे, हमें बात करने का मौका मिला तो हमें पता चला वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प करी और अभी भी हम उनसे टच में हैं। तो वहाँ पे अभी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह अब नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं हैं। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ भारतीय एम्बेसी और आप जैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं उनके बीच, क्योंकि फ़ोन कॉल उठाए नहीं जा रहे थे, बच्चे लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, मिसकम्युनिकेशन गैप कहाँ पर था? कीव की एम्बेसी एक्चुअली सेटअप नहीं है अभी, क्योंकि वो लवीव में अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कीव तो नहीं हो पाएगा, तो
कीव की एम्बेसी काम नहीं कर रही थी, यहाँ से बच्चे कॉन्टिन्यूसली जाए जा रहे हैं, तो हंगरी एम्बेसी में भी, क्योंकि हंगरी वगैरह में इतनी है नहीं उनकी मैन पावर, तो वहाँ पे एम्बेसी कीव की काम नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं हो पा रहा था कि कितने बच्चे यहाँ से चल दिए हैं। बच्चे क्योंकि अपने मर्जी से ही 15 के ग्रुप में, 300 के ग्रुप में, 1000 के ग्रुप में खुद ही निकल, क्योंकि सबको जान बचानी थी। एक आखिरी सवाल, अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी चिंतित हैं आप? आपका फोर्थ ईयर है शायद, 4 साल आपको हो गए हैं, अपनी मेहनत के आपने लगा दिए हैं, किसी का 5वां साल है, किसी का 6ठा साल है, 6 साल की MBBS, किस तरीके से मैनेज होगा, कितनी चिंतित हैं आप, आपके दोस्त? हम वहाँ पे रुके सिर्फ इसलिए थे कि हमें निकाल ना दें, और अब हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर ही स्टेक पे है, क्योंकि हम लाइक अपना 70% कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी हम लोग बस क्लूलेस हैं कि क्या होता है आगे। हमारी अभी बस गवर्नमेंट पे ही है कि क्या करते हैं वो। क्या अपील कर सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, हम सब नीट क्वालिफाई करके जाते हैं, और हम यहाँ पे आने के बाद भी एग्ज़ाम्स देते हैं, हम कितने कैपेबल हैं हम उसको प्रूव करते हैं, तभी हमें यहाँ पे सीट्स मिलती हैं। तो हम लोग वहाँ पे बड़ी मेहनत से पढ़ रहे थे, तो यही है कि हम लोगों की हेल्प करी जाए, वहाँ पे सब ठीक हो जाए पहले तो यही है, अगर जस्ट इन केस नहीं हो पाता तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। तो सिमरन ने हिम्मत बांधे रखी अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, बाकी दोस्तों के लिए। वॉलेंटियर का काम वो कर रही थी जब वो उस इलाके से बाहर निकल आई थी जहां पर काफी तनाव था। हंगरी में उन्होंने तमाम बच्चों की मदद की जो यूक्रेन से आ रहे थे। फिलहाल सिमरन घर पहुंच गई है, करनाल के काफी बच्चे घर पहुंच गए हैं, कईयों के आने की अभी उम्मीद लगी हुई है, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, लेकिन मन में एक डर जो है अब वो भविष्य को लेकर है कि आखिर हमारा भविष्य कहां जाएगा, क्योंकि सिमरन फोर्थ ईयर की छात्रा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेहनत, जिनके पैसे MBBS की पढ़ाई में लगे हैं। अगर सरकार इनकी मदद जो जान बचाने में कर रही है, उसके साथ साथ पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर भी कुछ करती है, तो बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।